गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू है, थोरियम इंड्यूस्ड ट्यूमर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा, एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर, एस्ट्रोसाइटोमा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही आंसर है एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम थोड़ा एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर के बारे में और जानेंगे। एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर इज हाईली एग्रेसिव ट्यूमर एंड दिस इज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक एंड थोरोट्रास्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट। तो ये एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर होता है, हाईली एग्रेसिव ट्यूमर होता है और एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक एंड थोरोट्रास्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो थोरोट्रास्ट है वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो सीवियरली कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग इन्फेंसी हैज बीन लिंक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा। ऑप्शन है ब्रेस्ट, मेलेनोमा, थायराइड, लंग। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन सी, थायराइड। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन साइट इन चिल्ड्रन इन ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी आर थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट, बोन मैरो एंड ब्रेन एंड स्किन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना इस ऑर्डर को, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन साइट इन चिल्ड्रन इन ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी आर थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट, बोन मैरो, ब्रेन एंड स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे माय डियर स्टूडेंट। द फॉलोइंग पैरासिटिक इन्फेक्शंस प्रीडिस्पोज टू मैलिग्नेंसी। ऐसा कौन सा पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो मैलिग्नेंसी को प्रीडिस्पोज करता है? ऑप्शंस हैं पैरागोनिमस वेस्टर्न माइनी, गिनीवर्म इन्फेक्शन, क्लोनोर्चियासिस, सिस्टोसोमियासिस। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोनोर्चियासिस। क्लोनोर्चियासिस इज कॉज बाई क्लोनोर्चिस साइनेंसिस। ओके, और यहाँ पर एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन कौन सी मैलिग्नेंसी को प्रीडिस्पोज करता है? कोलेंजियोकार्सिनोमा को। हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्लोनोर्चियासिस पैरासिटिक इन्फेक्शन है ये मैलिग्नेंसी को प्रीडिस्पोज करता है। कौन सी मैलिग्नेंसी को? कोलेंजियोकार्सिनोमा को। और ये जो क्लोनोर्चियासिस है ये कौन से पैरासिटिक इन्फेक्शन से होती है? क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और करेक्ट है, वो है सिस्टोसोमियासिस। माय डियर स्टूडेंट, सिस्टोसोमियासिस इज कॉज बाय सिस्टोसोमा हेमेटोबियम एंड सिस्टोसोमा जैपोनिकम। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो स्क्वैमस सेल कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को प्रेडिस्पोज करता है। ओके, और सिस्टोसोमा जैपोनिकम एक और पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि कोलोरेक्टल कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। ओके, लास्ट
एमसीक्यू माय डियर स्टूडेंट आज का, कैपोसी सार्कोमा इज सीन विद, कैपोसी सार्कोमा इज सीन विद, ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचएसवी एंड एचएचवी, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ मैं थोड़ा सा कैपोसी सार्कोमा के बारे में भी दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट कैपोसी सार्कोमा इज वेरी वैस्कुलर ट्यूमर एंड दिस इज ट्रीटेड बाय इंटरफेरॉन अल्फा, एडजंक्ट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।